हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की वर्कशीट नंबर 16 हल करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के लिए है और वर्कशीट की थीम है फैमिली। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बिन बोले संख्या बताएँ। पाखी और परम आज एक नया खेल खेल रहे हैं। परम आँखें बंद करके एक नंबर बोर्ड, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, जिस पर 1 से 50 तक गिनती लिखी है पर उंगली रखता है और पाखी बिना बोले वह संख्या परम को बताती है। आप सोच रहे होंगे कि भला बिना बोले संख्या कैसे पता चलेगी। इसके लिए पाखी ने माचिस की 50 तीलियाँ अपने पास रखी हुई हैं। पाखी माचिस की तीलियों से वह संख्या परम को दिखाती है। पाखी ने परम को बताया कि वह 10 तीलियाँ पूरी होने पर रबड़ बैंड की सहायता से एक बंडल बना देगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में जो रबड़ बैंड लगा हुआ है तीलियों पर, वो है 10 का बंडल है। अब यहाँ लिखा है, आप भी यह मज़ेदार खेल खेलकर पता लगाइए। खेल खेलने के लिए आप भी घर के किसी बड़े सदस्य की मदद से पाखी की तरह अपनी कॉपी कागज़ पर एक नंबर बोर्ड बनाइए। अपने साथी को आंखें बंद करके किसी भी एक संख्या पर उंगली रखने को कहिए, वह संख्या अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए और माचिस की तीलियों की सहायता से बिना बोले वह संख्या दिखाइए, जिस तरह चित्र में दिखाया गया है। क्या साथी ने संख्या सही पहचानी। तो बच्चों, आपको इसी प्रकार एक खेल खेलना है। एक कागज़ लेना है जिस पर आप 1 से 50 तक संख्या लिखेंगे, फिर दूसरा साथी उस संख्या को माचिस की तीलियों की सहायता से बताएगा बिना बोले। कैसे, अगर संख्या मान लीजिए यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है 19, तो 1 10 का बंडल और 9 खुली तीलियाँ। अब यहाँ दिया गया है, अपने खेल को नीचे दी गई तालिका में भरिए। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है, तो आप इस प्रकार एक तालिका बनाएंगे, नीचे दिए गए चित्र की तरह अपने कॉपी में दिखा सकते हैं। सदस्य के द्वारा बताई गई संख्या, क्या सही संख्या बताई, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए सदस्य ने संख्या पर उंगली लगाई 21 पर, तो यहाँ पर 2 10 10 के बंडल और 1 खुली तीली होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या सही संख्या बताई, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। उसके बाद हम 3 बंडल और 2 तीलियाँ लेंगे और सदस्य के द्वारा बताई गई संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 32। क्या सही संख्या बताई गई, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। फिर हम 1 बंडल और 5 खुली तीलियाँ लेंगे, सदस्य द्वारा बताई गई संख्या 15, तो 1 बंडल और 5 खुली तीलियों से संख्या बता दी गई है, तो यहाँ पर अब लिखना है क्या सही संख्या बताई, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में जो ये तालिका है, आप इसे खेल कर इसी प्रकार इसे भरेंगे। एक तरफ आप तीलियाँ बनाएंगे, फिर संख्या लिखेंगे और हाँ या नहीं में लिखेंगे। यदि संख्या गलत बताई तो नहीं लिखेंगे और सही बताई तो हाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा सोचिए, अगर पाखी तीलियों का बंडल नहीं बनाती तो क्या होता। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर पाखी तीलियों का बंडल नहीं बनाती तो उसे बार बार तीलियों को पूरा गिनना पड़ता। मान लीजिए संख्या बताए 42, तो उसको हर बार 42 गिनना पड़ता। 35 बताते, फिर से 35 गिनना पड़ता। उसने 10 10 के बंडल बना लिए और उसके बाद कुछ तीलियां खुली छोड़ी। अब 35 बताया तो 3 बंडल हो जाएंगे 10 10 के और 5 खुली तीलियाँ। 42 बताया तो 4 बंडल तीलियों के होंगे और 2 खुली तीलियाँ होंगी, तो 42 हो जाएगा। तो बच्चों, आप इस प्रकार अपने घर में खेल खेलेंगे माचिस की तीली और बंडल का, और संख्या पर उंगली रखेंगे और दूसरा सदस्य बंडल और तीली की सहायता से उस संख्या को बताएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। Thank you.